करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरु जी के साथ। हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है सिविल गुरु जी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है गाइस। पहले पार्ट में आप पढ़े थे कि सबमिशन ड्राइंग क्या होती है, उसका यूज क्या है और कहां कहां उसको यूज किया जाता है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़े थे। हम यूज करने जा रहा हूं डेट इज FAR, फ्लोर एरिया रेशियो। ठीक है गाइस, फ्लोर एरिया रेशियो पहले तो ये समझते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि ये क्यों आया है, क्यों यूज करते हैं इसको। ओके गाइस, तो FAR ये बोलता है टोटल ग्रॉस एरिया, मतलब टोटल पूरा एरिया, ग्राउंड फ्लोर का एरिया प्लस फर्स्ट फ्लोर एरिया प्लस ऑल अबव फ्लोर्स, जितने भी फ्लोर्स है सबको प्लस करने के बाद डिवाइड करना है टोटल प्लॉट एरिया के साथ। अब यहां पे ध्यान से देखिए, जो ग्रीन कलर ये देख रहे गाइस, ग्रीन कलर का बॉक्स, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो ग्रीन कलर देख रहे हैं ये ग्रीन कलर वाला बॉक्स, ये आपका टोटल प्लॉट है। ओके, ये एरिया है मान लीजिए 252 मीटर स्क्वायर है इसका एरिया, ये है 12 by 21 का यहाँ पे प्लॉट साइज है। तो यहाँ पे टोटल प्लॉट एरिया 252 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर एरिया 155 मीटर स्क्वायर मैंने लिया है। अब यही आपको प्लिंथ एरिया है और यही आपका बिल्टअप एरिया है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे सामने जगह छूटा है, यहाँ सामने जगह छूटा है, फ्रंट सेट बैक ये साइड में छूटा है और पीछे छूटा है। ये पूरे सेटबैक छोड़ने के बाद ये जगह क्यों छोड़ने हैं, ये गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना जरूरी है। पार्किंग के लिए हो गया, एयर सर्कुलेशन के लिए हो गया, यही बहुत सारी चीजें, सेप्टिक टैंक के लिए हो गया, ये सब के लिए आपको पूरा ये जगह छोड़ना ही पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए FAR को सॉल्व करने वाला हूं, ग्राउंड फ्लोर एरिया 155, फर्स्ट फ्लोर एरिया 97 डिवाइड बाई टोटल प्लॉट एरिया 252 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, जब मैं इनको डिवाइड करूंगा तो FAR आ गया 1। ओके, यहाँ पे ये ऐसी ही आपको सॉल्व करना है, मतलब अगर सपोज मान लीजिए ये फर्स्ट फ्लोर नहीं होता तो FAR हो जाता 155 डिवाइडेड बाय 252 इक्वल टू जो भी आंसर आया, 1 से नीचे आता वैल्यू। ठीक है, तो FAR निकालना बहुत आसान है। मान लो इसके ऊपर चार फ्लोर बने हुए हैं, 1 2 3 4 5, पूरे पांचों को प्लस करके डिवाइड बाय जितना भी प्लॉट का एरिया उसे कर दिए, तो FAR जो भी वैल्यू आई वो FAR होगा। ये मैंने आपको सिखाया कि निकालते कैसे हैं, मैंने आपको ये बताया कि निकालते कैसे, मींस आपका जो FAR है FAR को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, इसको रिलेट करके आपको समझाना पड़ेगा, तो FAR यहाँ पे ये समझ में आया आपको। अब आगे बढ़ते हैं FSI, ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। FSI सेम है FAR की तरह, सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। FAR को 100 से इंटू कर दो, मतलब वो परसेंटेज के फॉर्म में लेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ FAR 2 है तो FSI बोलते समय 200 हो जाएगा, इसलिए फ्लोर स्पेस इंडेक्स वर्ड जो सिनोम्स है वो अलग जगह यूज करने के लिए है, और FAR एक छोटे इंडिविजुअल प्लॉट्स में यूज करने के लिए है, बस ये डिफरेंस आ रहा है, बाकी दोनों सेम है। ठीक है गाइस, अब मैं बात करने वाला हूं ग्राउंड और परसेंटेज कवरेज। ध्यान से देखिए, बहुत इजी है ये, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं अपना, मान लीजिए 500 मार्क्स में से मिला 450, तो हम क्या करते हैं 450/500 इंटू 100, वो निकल गया आपका परसेंटेज। एग्जैक्टली वैसे ही ग्राउंड कवरेज भी वही है, ग्राउंड कवरेज वैसे ही टोटल प्लॉट, मतलब टोटल मार्क्स आपका, और ये जितने में
आपने कंस्ट्रक्शन किया ग्राउंड फ्लोर में, वो आपका ग्राउंड फ्लोर एरिया, तो आपको क्या करना है, ग्राउंड फ्लोर एरिया इंटू 100 डिवाइड टोटल बाई टोटल प्लॉट एरिया। तो आपको यहाँ पे निकल गया ग्राउंड कवरेज, मतलब इसका मतलब ये है कि आपने ग्राउंड में कितना कवर किया है, आपको आपका जो प्लॉट है उसमें से कितने में कंस्ट्रक्शन किया उसका परसेंटेज, अब उसका परसेंटेज बताओ, एकदम सिंपल सा है ये, ठीक है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दुर्ग नगर निगम बायलॉज। पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये नियम कहां से मिलेगा। सबसे पहले आर्किटेक्चर लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा नक्शा बनाने के लिए। आपको क्या करना है, आपको लाइसेंस पड़ता है। लाइसेंस कैसे लेंगे आप सभी ध्यान देंगे कि जिस भी नगर निगम आपके नियरेस्ट घर के आसपास होता है वहां पे आप जाएंगे और अपने घर से स्टार्ट करनी है इसलिए, और वहां पे जाके एक हेल्प डेस्क जरूर होता है, उनके पास जाके आपको पूछना है कि मुझे नगर निगम का लाइसेंस बनाना है, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होगी। तो वो सिंपल सी चीजें बताएगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स तो सिंपल आपका सर्टिफिकेट बी या बीटेक का सर्टिफिकेट, ठीक है। बीटेक में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, वैसे एक्सपीरियंस लेटर भी होता है तो वो डिप्लोमा वालों को शो करना रहता है, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। और वैसे ही अलग अलग रूल्स होते हैं इसके। तो पहली चीज बी और बीटेक के लिए बता रहा हूँ, एक आपको एफिडेविट लगेगा कि किसी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में काम नहीं करते हैं, तब जाके ये लाइसेंस आपको दिया जा रहा है। आपको बताना है कब के पास आउट हो, ये पूरे चीज डॉक्यूमेंटेशन में आपको सबमिट करना पड़ता है, फिर 1 से 1.5 महीने में वो चीज बन जाती है। ओके गाइस, उसका चार्ज है मात्र 1500 रुपए, पूरे छत्तीसगढ़ में 1500 ही लगता है, पर बाहर स्टेट में आपको पूछना पड़ेगा। ये जो डिस्कस करने जा रहा हूं ये दुर्ग नगर निगम का है। हर जगह के नियम अलग होते हैं, हर जगह स्लाइट डिफरेंस आता है, कंसेप्ट वही है, एफएआर नहीं बदलेगा, ग्राउंड कवरेज नहीं बदलेगा, प्लॉट का साइज ये सब कुछ नहीं बदलेगा, बस वैल्यूज थोड़े थोड़े चेंज होते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे लिया जाता है, इसको समझना है आपको। ये जो नियम है यहाँ पे देखिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दुर्ग अपडेट डीसी रूल अकॉर्डिंग टू भूमि विकास नियम 1984, एक बुक आपको ध्यान में रखना है, भूमि विकास नियम 1984। ये बुक से पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन निकालते हैं, लेकिन कुछ नियम जो होते हैं दुर्ग वाले ही बनाते हैं मास्टर प्लान के हिसाब से। भूमि विकास वाले दुर्ग में जो ऑफिसर जो अधिकारी बैठते हैं वही बनाते हैं, तो वो फॉलो करते हुए मतलब भूमि विकास 1984 को ही फॉलो करते हुए कुछ नियम एड ऑन किया जाता है, जो आपको एक्सेल शीट में मिल जाता है जब आपके पास लाइसेंस होता है। ओके गाइस, जब आप लाइसेंस परचेस करते हैं तो लाइसेंस मिलने के बाद जैसे यहाँ पे क्या होता है कि लाइसेंस मिलने के बाद आपको ऑनलाइन सबमिशन होता है, जो सबमिशन ड्राइंग होती है वो ऑनलाइन सबमिट होती है। तो आपको पूरा प्रोसेस बताया जाता है कि कौन से सॉफ्टवेयर में ये ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, कैसे होती है, इसकी 3 दिन की फ्री ट्रेनिंग होती है, हमारे यहाँ पे चलता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बिल्डिंग हाइट। क्या होता है बिल्डिंग की जो हाइट होती है उसका भी रेस्ट्रिक्शन अलग अलग रोड के हिसाब से होता है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब किसी भी बिल्डिंग का हाइट कैसे डिसाइड कर सकते हैं, दुर्ग के नगर निगम के हिसाब से बता रहा हूँ, 1.5 इसको इंटू करना है आपको रोड की विड्थ, जो फ्रंट की रोड की विड्थ है ना आपकी, आपका जो प्लॉट सामने जो रोड की विड्थ होगी मान लो 4 मीटर, तो इंटू तो 1.5 × 4 ब्रैकेट में प्लस फ्रंट मार्जिन आपको ध्यान रखना है। इसको करने के बाद जो वैल्यूज निकलेगी वो आपका बिल्डिंग की हाइट होगी, उतना आप जा सकते हैं, इसका ये मतलब है। ओके, तो अब आपको ध्यान से सुनना है, प्लॉट का एरिया अगर आपका 50 और 50 से कम हुआ मीटर स्क्वायर तो मैक्सिमम ग्राउंड में कवर कर सकते हैं 75%। ओके, 75% में ही आप बिल्टअप बना सकते हैं,
कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एंड 25% आपको जगह छोड़ना ही पड़ेगा, ये गवर्नमेंट का रूल्स है। ओके गाइस, और यहाँ पे साफ साफ दिया है FAR 1.5, गवर्नमेंट हमको डिसाइड करके देती है FAR। तो यहां से आप क्या और समझते हैं मैं बताता हूं। यहां पे देखिए FAR का फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूं, टोटल ग्रॉस एरिया, और गवर्नमेंट हमको FAR दे देती है। अगर मैं FAR गवर्नमेंट हमको दे रही है 1.5 और प्लॉट का एरिया कस्टमर हमको दे देगा, इन दोनों को हम इनटू कर दे तो हमको क्या पता चल जाएगा, यहाँ पे टोटल ग्रॉस एरिया मतलब आप कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर में कितना बना सकते हो, फर्स्ट फ्लोर में कितना, सेकंड में कितना, यहां से पता चल जाएगा। सेम फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं लगाया मैंने। ओके गाइस, अब मैं वापस आता हूं। अब आपके प्लॉट का साइज 51 से 100 के बीच में, तो ये फॉर्मूला लगाना है। और मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज, इसका मतलब ये है ज्यादा से ज्यादा इतना कवर कर सकते हो। देखो गाइस, ये वाले फॉर्मूले से आप ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकते हो, उससे कम चाहे तो कर सकते हो पर उससे ज्यादा चाहे तो नहीं कर सकते। तो ये है इसका मतलब। तो बहुत सारे नियम हैं, कुछ नियम डिस्कस किए ताकि वो आपको समझा पाऊँ, एक आइडिया दे पाऊँ। नियम ऐसे ऐसे होते हैं, आपको फॉलो करना है, बहुत इजी सा है। जब आप इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, अगर आर्किटेक्चर फील्ड में आगे बढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है। बस इसको एक बार आपको गो थ्रू करना है। ओके गाइस, अब उसके बाद आता है गाइस आपका लेआउट ड्राइंग, कि लेआउट ड्राइंग क्या होती है। तो देखो गाइस, यहाँ पे आपको तीन टाइप के लेआउट ड्राइंग दिखेगी, टाउनशिप लेआउट, सेंटर लाइन लेआउट एंड ब्रिकवर्क लेआउट। ठीक है गाइस, तो गाइस जैसे कि आपको यहाँ पे टाउनशिप लेआउट में क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग प्लॉट की कटिंग करते हैं, रोड की कटिंग होगी इसमें। तो गाइस जैसे कि एक टाउनशिप बन रही है, टाउनशिप का पहले तो जैसे कि हमारे यहाँ अविनाश बिल्डर, चौहान बिल्डर, सिंघानिया बिल्डर, ये बहुत ज्यादा फेमस बिल्डर है। तो जैसे कि गाइस एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, जैसे कि अपना अविनाश ट्विन सिटी बन रहा है, तो उसका सबसे पहला, उसका एक टाउनशिप बन रहा है, तो वो सबसे पहले क्या बनाता है, अपना एक मेन गेट बनाएगा। मेन गेट में अपना वो एक बेंचमार्क, टेम्पररी बेंचमार्क को बनाएगा, फिर वही बेंचमार्क से, जैसे गाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सब पूरा प्लॉट कटिंग है, यहाँ पे रोड कटिंग है, प्लॉट कटिंग है, EWS एरिया है, जहाँ पे गार्डन है, गार्डन के लिए अलग कटिंग कर दिया है। तो यहाँ पे उसका कहीं पे बेंचमार्क होगा, वो बेंचमार्क के रेफरेंस से वो पूरा प्लॉट कटिंग करता है, तो उसको बोलते हैं हम गाइस टाउनशिप लेआउट। फिर उसके बाद आता है गाइस सेंटर लाइन लेआउट में क्या होता है गाइस, इसमें जैसे कि आपका फुटिंग होता है, फाउंडेशन होता है, कहाँ पे प्लेस होगा। एक सेंटर लाइन की ड्रॉइंग होती है, सेंटर लाइन की ड्रॉइंग आप ऑटोकैड में बनाएंगे, टाउनशिप लेआउट, ब्रिकवर्क लेआउट, सबकी ड्रॉइंग आप ऑटोकैड में बनाएंगे। जैसे कि आपको सेंटर लाइन लेआउट दिखाता हूं मैं और ब्रिकवर्क लेआउट दिखाता हूं। सेंटर लाइन लेआउट में क्या होता है, जैसे कि गाइस ये आपका प्लॉट एरिया है, तो उसके सेंटर से जो भी लाइन जाएगी, जैसे कि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो गाइस यहाँ पे हमारा फुटिंग या फिर फाउंडेशन होगा, यहाँ पे हमारा एक्सकवेशन होगा। ठीक है गाइस, और ब्रिकवर्क लेआउट में क्या होता है, ब्रिकवर्क लेआउट में दो चीज है। तो पहले गाइस मैं आपको ऑन साइट की बात करता हूँ, जैसे कि आपका 200 mm की वॉल, जैसे ये 200 mm की वॉल है, ये 100 mm की वॉल है, तो ये हम अपने मेसन को बताते हैं कि कहाँ पे 200 mm की वॉल का ब्रिकवर्क करना है और कहाँ पे 100 mm की वॉल को ब्रिकवर्क करना है। ठीक है गाइस, ये हुआ पहला चीज। और दूसरा चीज ये रहता है, जैसे कि गाइस आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो बोलता है कि सर मुझे मेरा इतने बाय इतने का प्लान है और ये फेस ईस्ट फेस का मेरा डायरेक्शन है, नॉर्थ फेस है। ठीक है गाइस, तो आप उसको क्या बोलेंगे, सर मुझे एक या दो दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको फ्लोर प्लान प्लानिंग करके देता हूँ। तो वो एक दो दिन बाद आएगा, तो आप उसको जैसे प्लान दिखाएंगे, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि सर मेरे पास आपको मैं आपका जो प्लॉट है वहां पे आपको ले जाके मैं फील करा सकता हूँ कि आपका कहाँ कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ पे आपका डाइनिंग रूम होगा, कहाँ पे लिविंग रूम होगा, कहाँ पे टेरेस पोर्च होगा, सब आपको मैं फील करा सकता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, जो आप प्लानिंग किए हो, ब्रिकवर्क लेआउट जो बनाए हो, तो
तो आप उनके साइट में जाके, उनके प्लॉट में जाके थ्रेड की हेल्प से आप उनको फिल करा सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये ब्रिकवर्क लेआउट में आता है। अब उसके बाद जैसे गाइस हमारा नेक्स्ट ड्रॉइंग आता है वर्किंग ड्रॉइंग। तो वर्किंग ड्रॉइंग में, वर्किंग ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है कि काम कराने वाली ड्रॉइंग, हर वो जो ड्रॉइंग जो साइट पे लेके पकड़ा हुआ है, जिसे काम करवा रहे हो, उसी को बोलते हैं हमारा वर्किंग ड्रॉइंग। ठीक है गाइस, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, अ वर्किंग ड्रॉइंग इज अ ड्रॉइंग और ब्लू प्रिंट बेस्ड ऑन एक्सप्लेनेशन, इट इज कम्प्लीटेड विद अ थ्रू प्लान एंड व्यूज टू एंश्योर द प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन और रिप्लीकेशन विदाउट एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वर्किंग ड्रॉइंग एंड कंस्ट्रक्शन ड्रॉइंग। कंस्ट्रक्शन ड्रॉइंग इज स्लाइटली डिफरेंट। कंस्ट्रक्शन ड्रॉइंग इज अ सेट ऑफ ड्रॉइंग यूटिलाइज फॉर डिस्प्लेइंग द रिलेशन बिटवीन वेरिड पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है गाइस, तो जो ये बता रहा है वर्किंग ड्रॉइंग, जो मैंने आपको अभी बताया वर्किंग ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, जो आपको जो काम करवाना है, जो ड्रॉइंग जो साइट पे लेके पकड़ा हुआ है, जिसे काम करवा रहे हो, दैट इज कॉल्ड वर्किंग ड्रॉइंग। ठीक है गाइस, तो कन्वेंशनली वर्किंग ड्रॉइंग कंसिस्ट ऑफ टू डायमेंशनल ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग सेक्शन प्लान्स एंड एलिवेशन। दीज आर आइदर ड्रॉन बाय हैंड और यूजिंग अ कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, बट नाउ बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग बीम इज यूज्ड टू मेक थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिल्डिंग एंड द पार्ट्स फॉर कंस्ट्रक्शन सच एज रैबिट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर। तो गाइस, जो आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो आपका कैड सॉफ्टवेयर है और जो आपका रैबिट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर है, जो आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो कैड सॉफ्टवेयर होता है, उसमें हम प्लानिंग डिजाइन करते हैं, प्लानिंग पूरा ड्रॉ करते हैं, जो कि एकदम बहुत अच्छे से होता है कैड में। और जैसे कि रैबिट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर और भी थ्री डी डायमेंशनल के सॉफ्टवेयर होते हैं, पर जो सबसे बेस्ट होता है, जो सबसे इजी काम होता है, वो होता है आपका रैबिट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर में। इसमें रेंडरिंग भी बहुत अच्छी होती है गाइस। तो इस टाइप के आपके यहाँ पे वर्किंग ड्राइंग में ये सब ड्राइंग आपके इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर ड्राइंग को हम वर्किंग ड्राइंग बोलते हैं। स्ट्रक्चरल ड्राइंग सच एज सेंटर लाइन ड्राइंग, फुटिंग लेआउट डिटेल्स, पीट डिटेल्स, डोर एंड विंडो फिटिंग डिटेल्स, स्टेयरकेस डिटेल्स। तो गाइस, ये सब आपकी ड्राइंग वर्किंग ड्राइंग में आते हैं। आप देख पा रहे गाइस, सेंटर लाइन ड्राइंग आपका लेआउट ड्राइंग में भी था, इसमें भी है, सेम दोनों वही वर्क होता है। ऐसे बहुत सारे ड्राइंग्स हैं जो एक साथ मिले हुए हैं, जैसे कि लेआउट में आएगा आपका, और जैसे वर्किंग ड्राइंग में भी आ गया सेंटर लाइन ड्राइंग। ये सेंटर लाइन ड्राइंग और फुटिंग, ये सब कुछ ड्राइंग एक साथ मर्ज रहते हैं। ठीक है गाइस, जैसे कि सेंटर लाइन ड्राइंग आ गया, फुटिंग लेआउट डिटेल, सेक्शन एंड एलिवेशन ड्राइंग, डोर एंड विंडो फिटिंग ड्राइंग, पीट डिटेल्स, स्टेयरकेस डिटेल। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका आरसीसी ड्राइंग। तो गाइस, आपको अच्छे से पता है, आप सिविल इंजीनियर है, आपको पता है आरसीसी ड्राइंग क्या होता है। आरसीसी ड्राइंग मतलब जहां पे आपका रेनफोर्समेंट यूज होता है, वो आपकी ड्राइंग बनती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है गाइस, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद आपको मैं कुछ ड्राइंग्स दिखा रहा हूँ जो आपकी ऑटोकैड में बनती है, जैसे कि आपका कॉलम एंड फुटिंग में आपका रेनफोर्समेंट लगता है, इसमें कुछ डिटेल्स दी हुई है। यहाँ पे जो C1, C2, C3, C4 लिखा है, ये आपका कॉलम है। हम कॉलम की शेड्यूलिंग भी करते हैं ऑटोकैड में, कि कैसा कॉलम, कि कॉलम में किस टाइप का स्टीरअप्स लगेगा, किस टाइप्स का रेनफोर्समेंट लगेगा। यहाँ पे हर चीज दिया है, फुटिंग का भी आपको यहाँ पे साइज दिया रहता है, एक्सकवेशन साइज, फुटिंग साइज, जो फुटिंग रहेगी उसकी डेप्थ कितनी होगी, और जो आपका जाली बनता है, जो जाली लगाते हैं हम जब फुटिंग जब करते हैं, तो फुटिंग पहले, सबसे पहले हम जाली लगाते हैं, तो जाली आपका कितने बाई कितने का होगा। ओके गाइस, स्लैब रेनफोर्समेंट, तो स्लैब, जैसे कि आपका शेड्यूल ऑफ कॉलम होता है, तो शेड्यूल ऑफ यहाँ पे स्लैब बीम होता है, डिटेल ऑफ स्लैब भी होता है। ठीक है गाइस, आपको और दिखा रहा हूँ मैं, जैसे कि आपका लिंटल बीम रेनफोर्समेंट डिटेल, लिंटल बीम में आपका लिंटल बीम का भी अलग शेड्यूल होता है, फिर प्लिंथ बीम का भी अलग शेड्यूल होता है। तो ये सब ड्राइंग्स आपकी ऑटोकैड में बनती है गाइस। तो ये आपका, ये भी एक तरह का आपका चेकलिस्ट है। ओके गाइस, अब आता है आपका प्लंबिंग ड्राइंग। तो प्लंबिंग ड्राइंग क्या होता है? अ प्लंबिंग ड्राइंग इज अ टाइप ऑफ टेक्निकल ड्राइंग दैट प्रोवाइड्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ प्लंबिंग सिस्टम। इट इज यूज्ड टू कन्वे द इंजीनियरिंग डिजाइन टू प्लंबर और अदर वर्कर्स who will use them to help install the plumbing system. A plumbing drawing is used to show clearly the location of fixtures, sanitary wire, pipe work, walls and so on, and illustrate how fresh water is to be supplied into a building and waste water removed.
गाइस आपको जैसे यहाँ पे पॉइंट टू भी कंसीडर, ये आपको पॉइंट्स को पढ़ना है कि ये सब आपके आपको आपको पता रहना चाहिए कि प्लम्बिंग ड्राइंग में क्या होता है। तो इस तरह से आपकी प्लम्बिंग ड्राइंग होती है, आप इस तरह से प्लम्बिंग ड्राइंग को अपने ऑटोकैड में ड्रॉ करेंगे एंड पूरा अच्छे से डिटेल्स देंगे कि क्या क्या हमें यूज होता है, सीवरेज वाटर पाइप कहाँ पे सीवरेज वाटर पाइप लगता है, वेस्ट वाटर पाइप लगता है, कहाँ पे हमको इंडियन वाटर क्लोजेट बनाना है, कहाँ पे आपको नाली ट्रैप बनाना है। ओके गाइस, उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग इज अ टाइप ऑफ टेक्निकल ड्राइंग दैट शोज इंफॉर्मेशन अबाउट पावर लाइटिंग एंड कम्युनिकेशन फॉर एन इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट। ओके गाइस, कि इसमें आपको आपको मैं जैसे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग दिखा रहा हूँ, इसमें आपको आपके प्लान में कहाँ का आपका स्विच बोर्ड रहेगा, प्लग पॉइंट रहेगा, ब्रैकेट लाइट रहेगा, ट्यूब लाइट रहेगा, तो इसमें आप ऐसा डिजाइन कर सकते हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से एक बार कंसर्न कर सकते हो कि यहाँ पे ये हमारा प्लान है तो हमें प्लान में हमको कहाँ का फिटिंग्स देना है, तो आप उससे भी कंसर्न कर सकते हैं। तो लास्ट आता है गाइस लैंडस्केप ड्राइंग। लैंडस्केप ड्राइंग क्या होता है, अ सिविल ड्राइंग और साइड ड्राइंग इज अ टाइप ऑफ टेक्निकल ड्राइंग दैट शोज इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रेडिंग, लैंडस्केपिंग और अदर साइड डिटेल्स। These drawings are intended to give a clear picture of all things in a construction site to a civil engineer. तो गाइस ये कुछ पॉइंट्स होते हैं आपके कंसिडर करते हैं, जैसे कि गाइस लैंडस्केप ड्राइंग होता क्या है, जहाँ पे प्लांटेशन आएगा वहाँ गार्डन प्लांटेशन, कौन सा प्लांट लगेगा और प्लस स्विमिंग पूल कहाँ पे होगा, पार्क, ये सब कुछ डिसाइड लैंडस्केप ड्राइंग पे होता है। जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ गाइस, ये आपका लैंडस्केप ड्राइंग है, देखो गाइस मैं आपको जैसे बताया कि कहाँ पे प्लांटेशन होगा, जैसे कि प्लांटेशन कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे स्विमिंग पूल है। ओके गाइस, जैसे यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे थोड़ा ग्रीनरी पोर्शन है, यहाँ पे बड़े बड़े प्लांट लगे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे मोटे पौधे लगे हैं जिसको हर्ब्स एंड श्रब्स बोलते हैं, कहाँ पे आपका स्विमिंग पूल प्लेस होगा। ओके गाइस, तब तक के लिए दोस्तों बने रहिएगा इसी जोश और जुनून के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सिविल गुरुजी।